मॉर्निंग फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। द बीमन व्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग संडे की सदर की पटरी मार्केट का व्लॉग है। यहाँ की जो पटरी मार्केट से मैंने स्टार्ट किया है, पारा टूटी चौक से व्लॉग स्टार्ट किया है। और साथ में मैंने जो क्रॉकरी मार्केट है, बहुत दिनों से मैं वहाँ की सैर आपको कराना चाह रही थी, तो मैंने इस व्लॉग में वो भी कवर किया है। तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब ये एंट्री गेट पे ऐसी है, 100 रुपये की शर्ट और 150 रुपये में टी शर्ट मिल जाएगी। और ये कुछ हल्दी मेहंदी से रिलेटेड जो भी आपको आर्टिकल चाहिए, 100 रुपीज़ में ये आंटी के पास मिल रहे थे। और उनके सामने ये अपोजिट साइड 350 रुपीज़ में ऐसी है कॉटन के मिक्स वाले कई सारे सूट्स अवेलेबल थे, जो कि ये सूट मटेरियल होते हैं। आप इसको लेने से पहले अच्छे से चेक करना, तभी लेना। कि पैकेट में पैक है तो आप ले लो, ऐसा मत करना। आप चेक करके तभी लेना। बस थोड़ा आगे बढ़ते ऐसे आपको ड्रेसेस मिल जाएंगे कुछ। आप जब बारह टूटी चौक जाएंगे तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका आरके आश्रम होगा, आरके मेट्रो स्टेशन। तो वहाँ से आप कोई ई रिक्शा लेना, ई रिक्शा लेकर के आपको बारह टूटी चौक स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे आप बस जो गेट दिखेगा, जो भी मैंने आपको दिखाया गेट, बस उस गेट के अंदर आप चलते जाइएगा। ऐसे आपको पटरी पे सारी ऐसी शॉप दिखती जाएंगी, जो कि अप्रोक्स जैसे अभी लेस दिखी वो 20 रुपीज़ की थी। ये शूज़ जो चप्पल थे बच्चों के वो थे 100 रुपये के, और ये भी 100 रुपये का था, इसमें 12 पीस का था। ये सिंगल नहीं देंगे भैया, आपको 12 पीस लेना पड़ेगा। दुपट्टे 100 रुपये के एक थे, इनमें से 100 रुपये के दो थे जो छोटे छोटे थे, और जो बड़े वाले थे वो 100 रुपये 250 रुपये, सबका अलग अलग प्राइस था। बस जो छोटे वाले थे वो 100 के दो थे। तो आप इंजॉय करिए इस व्लॉग को, मेरे साथ बनी रहिए। व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं किचन से रिलेटेड, होम डेकोर से रिलेटेड बहुत ही सी अमेजिंग चीज़ें मैंने इस व्लॉग में ऐड की है। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब ये शॉप पर एक आंटी थी, उन्होंने पूरा ये सूट वगैरह ओपन करके देख रहे। तो फ्रेंड ऐसे ही अच्छे से ओपन करके चेक करके तभी लीजिएगा। 350 का सूट था। और ये मैट थी, किचन में यूज़ करते हैं, आपने यूज़ किया होगा, तो यहाँ पे आपको कई सारी मिल जाएंगी। फिर से आगे एक कॉटन की शॉप पे जो कि 350, जी हाँ फ्रेंड, ये 350 रुपीज़ की थी। ये हर जगह आपको कई जगह शॉप दिखती जाएंगी। और अगर आपको बर्थडे पार्टी से रिलेटेड चाहिए तो वो भी सामान मिल जाएगा। ये 100 के 5 किलो रहे थे यहाँ पे, तो हल्की क्वालिटी के थे। बस ये कि आप बच्चे को दे सकते हैं, बच्चे आराम से खेलते तोड़ते हैं, तो 100 के 5 ही आप अपने बच्चे के लिए ख़रीद सकते हैं। ये गन चल रही थी, भैया ने गन भी स्टार्ट करके दिखाई। यहाँ पे फ़ोन बूथ वगैरह सब थे, इसके सामने ये भैया खड़े होते हैं, उनके जस्ट बगल में ऐसे पार्टी पॉपर वगैरह, पार्टी के लिए, बर्थडे पप के लिए ये जो बलून्स वगैरह थे, ये 50 रुपीज़ इनका प्राइस था। स्माइली वाले भी, इनका भी प्राइस 50 रुपीज़ था। और इनमें से आप ग्लिटर वाले भी, साइनशाइन वाले भी, कोई भी लेते हैं बलून, वो सिर्फ 50 रुपीज़ का पूरा पैकेट होगा। तो ये ऐसे संडे के दिन आपको सदर पटरी मार्केट में दिख जाएंगे। और 150 रुपये का वो वाला वॉल एंगल था। और 100 रुपीज़ के आपको ये स्लीपर्स मिल जाएंगी। आप गर्मी आ रही है तो स्लीपर्स की खरीदनी होगी आपको, तो ये बच्चों की भी स्लीपर थी और बड़ों की भी, तो वो 100 रुपीज़ की थी। और 100 रुपीज़ की ये टॉल भी थी, जी हाँ फ्रेंड, ये फाइबर टॉल है, इसको कहते हैं जल्दी से सूख जाती है, तो 100 रुपीज़ की थी। ये भी आपको पूरी सदर में कई जगह दिखेगी। और ये 150 में दो स्लीपर थी, हाँ 75 की एक थी, और अगर एक लेते हैं तो 80 रुपीज़ की, और दो लेते हैं तो 150 रुपीज़ की टू। और ये 120 रुपीज़ का आपको ये स्टडी टेबल मिल जाएगा, जिसको आप अपने बच्चे के लिए यूज़ ले सकते हैं, अपने बच्चे की स्टडी के लिए ले सकते हैं, अपनी स्टडी के लिए ले सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए ले सकते हैं। उनके जिस बगल में ऐसे 120 रुपये के ऐसे पर्सेस मिल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्राउड था। फिर संडे के दिन काफ़ी क्राउड होता है इस मार्केट में, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट होती है, सेंटर है, तो सेंट्रल होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं शॉपिंग करने। होल सेल यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए आते हैं लोग अपने शॉप के लिए सामान खरीदने, कि सस्ते में यहाँ पे अच्छा दाम मिल जाता है, अच्छे सामान मिल जाते हैं। ये 150 रुपये में ट्रैक्टर ट्रक दोनों थे, ये काफ़ी अच्छे साइज़ के थे और अच्छे स्टफ में थे, मतलब कैसे बोल, मटीरियल अच्छा था। अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी गली, जहाँ पे होम डेकोर और किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। तो बस कॉर्नर पे आपको ऐसे स्पोर्ट्स वाले भैया दिख जाएंगे, जो ये 40 रुपीज़ का आपको बैट मिल जाएगा, कुछ 50 रुपीज़ का, 110 का, 20 का रैकेट बैट, सारी आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी आपको चाहिए इस शॉप पर आपको पटरी भरी अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए, ये देख रहे हो रास्ता, बस अब हम इसी में चलेंगे, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंजॉय होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर गर्ल्स देख रहे हैं, बॉयज़ देख रहे हैं, और आप अपने बच्चों के लिए कुछ सामान लेना चाहते हैं स्पोर्ट्स का रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको अच्छे से सामान मिल जाएगा और सस्ते मिल जाएगा। अब ये इस क्रॉकरी के स्टॉल के बाद में बात कर रही थी आपसे, तो बस मैं अंदर आ गई तो ऐसी पटरी पर शॉप दिख जाती है। तो
इस व्लॉग को मैं स्टार्ट करने से पहले दिखा देती हूँ कि जो आप इस इलेक्ट्रॉनिक सामान लीजिएगा तो वो आप अच्छे से देख के लीजिएगा, क्योंकि घर जाके इसकी कोई वारंटी गारंटी जो भी हो वो चेक करके तब लीजिएगा। और ये बच्चों को लंच बॉक्स था 450, 350, 250 ऐसे सारे थे, कोई स्टील का था कोई ऐसे था, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे। आप अपने बच्चों के लिए अपने लिए लंच बॉक्स ले सकते हैं, अपने ऑफिस के लिए अपने स्कूल के लिए अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। तो इनके प्राइस 350, 450 और बहुत ही जो प्यारी प्यारी बॉटल्स है वो 120 ऐसे करके, 200 ऐसे करके प्राइस था। तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखेगा, ऐसे बहुत ही प्यारी प्यारी होम डेकोर से रिलेटेड रिलेटेड और भी आपके स्पोर्ट्स और बच्चों के स्कूल्स वगैरह स्टेशन वगैरह भी इस व्लॉग में ऐड किए। फ्रेंड व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब इस टिश्यू के एक शॉप में लिए मुझे, ये टिश्यू पे था 100 रुपीज़ का 5 पीस दे रहे थे, और जो आपके बटर पेपर थे वो 90 रुपीज़ का था, कोई 200 रुपीज़ का आपका स्टॉप फॉइल पेपर था, ऐसे करके मीटर वाइज अलग अलग थे। तो एक छोटी सी शॉप दिखी थी जहाँ के कई सारे अब इस तरह के टिश्यूज़ वगैरह अवेलेबल थे। अब उससे आगे बढ़ते ही मुझे ये बहुत ही प्यारी सी शॉप दिखी जहाँ पे ये जो सिपर वगैरह था वो 350 रुपीज़ का वाइट वाला था, जो मिस्टर ने से लिखा था 450 ऐसे इनका प्राइस होता है। और ये छोटू सा स्टूल दिखा, ये 120 कहीं पे 150 ऐसा था प्राइस। तो आप बार्गेन कर लेना, और बार्गेन करने पे कम भी हो जाता है। और कोई भी चीज़ ले जाना लेना यहाँ से तो फिर एक बार चेक ज़रूर करना, बिना चेक करे कुछ मत लेना, चेक करके ही लेना आप। तो मुझे थोड़ी सर्दी होगी इसलिए वॉइस आपको चेंज लग रही होगी। अच्छा, इस ज्योमेट्री की बात करूँ तो ये 80 रुपीज़ का था, 70-80 रुपीज़ ऐसे था। ये छोटे छोटे बॉक्सेस भी थे, ज्योमेट्री थी, बॉटल भी थी। आपको ऐसे कई सारी पट्टी भी शॉप दिख जाएंगी जहाँ पे ये, जैसे इस ज्योमेट्री की बात करूँ तो ये 80 रुपीज़ में था, इसमें डबल था। और ये छोटे छोटू आपको ये बैग दिख जाएंगे, आप इसमें पैसे रख सकते हैं। जी हाँ, ये 200 रुपीज़ का है। तो एस्ट्रोनॉट वाले आपको बैग पे वो भी दिख जाएंगे आपको, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, गुल्लक भी बोलते हैं ना, पिगी बैग। तो 200 रुपीज़ का मिल जाएगा, कोई 250 का भी था, 300 का भी था। और इन सब के प्राइस करो, कोई 100 का था, कोई 120 रुपीज़ का था, कोई 150 रुपीज़ का था, और कोई 80 रुपीज़ का भी था। ये सारे आपको ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाएंगे, आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। ये 80 रुपीज़ की थी, ये गर्ल्स के लिए थे। अच्छा फ्रेंड एक बात है, ये जो पिंक कलर का था, पिंक कलर ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म थे, एक दो ही पीस थे। और ब्लू कलर के तो कई सारे बच्चे थे, मतलब ब्लू बॉयज़ के होते हैं तो पिंक गर्ल्स के होते हैं। और ऐसे छोटे छोटे आपको शॉपनर स्टेशनरी वगैरह स्टेशनरी दिख जाएंगे, ये भी 350 रुपीज़ का था। तो प्राइस कुछ आगे पीछे हो सकता है, आप जाना तो पूछ लेना, और अच्छा लगे तो बार्गेन कर लेना। ये 150 रुपीज़ में ऐसे पाउच मिल जाएगा। तो पाउच के साथ एक छोटा सा पाउच था जिसमें आप अपने मैं तो इसमें रखूँगी अपनी रिकॉर्डिंग के लिए, तो इसलिए मेरे लिए यूज़फुल है, आप अपने लिए भी यूज़फुल लगे तो ले सकते हैं। ये छोटा हैंड सोप है, ये 30 रुपीज़ का था, ये 30 रुपीज़ का हैंड सोप है। ये पेपर सोप नहीं होता फ्रेंड, वो है पेपर सोप। ये 50 रुपीज़ में क्ले मिल जाएगा पूरा सेट के साथ, जो आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, वो इसमें इंजॉय करेंगे, घूमते रहेंगे खेलते रहेंगे इसके साथ, तो टाइम पास होगा उनका। ये स्टूल यहाँ पे 180 रुपीज़ या 150 रुपीज़ का भैया बता रहे थे। यही स्टूल कई जगह 120 रुपये का भी था, कई जगह 180 का था। खैर ये 200 रुपीज़ का आपको ये बैग मिल जाएगा, ये पाउच था इसका प्राइस जो है 200 रुपीज़ का था, थोड़ा अच्छा साइज़ का था, यूनिकॉर्न स्टाइल में था, कई सारे यहाँ पे डिज़ाइन के थे। और ये छोटू सा शॉपनर है, हाँ जी फ्रेंड, देखने में लग रहा है ये कुछ होम डेकोर से रिलेटेड, बट ये शॉपनर था। अच्छा अब गर्मी आ गई तो गर्मी वाले आपको मोज़े भी चाहिए, तो ये 120 रुपीज़ में ऐसे पीस थे, तो इसमें 10-12 ऐसे पीस होते हैं। और 120 रुपीज़ में ऐसे ये रुमाल मिल जाएंगे, तो ये हैंकी भी आपको 12 पीस का मिलेगा। ये जो मोज़े हैं इसमें 10-12 ऐसे होंगे, ये आप देख लेना। तो इनका प्राइस भी 120 रुपीज़ ऐसे से था। बस कुछ स्टेशनरी के और शॉप दिखती है, आप बस देखते जाना, यहाँ पर इसने स्टेशनरी की शॉप आपको बहुत मिलेंगी और कई सारी रीजनेबल प्राइस मिलेंगी। और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खरीद रहे थे, शॉपिंग भी कर रहे थे। ये ग्लिटर वाले जो थे वो पेस्ट करने वाले 120-180 रुपीज़ के थे, और जो जिन्हें हम पेस्ट नहीं कर सकते वो 150 या 120 ऐसे थे, थोड़ा भूल रही फ्रेंड सॉरी उसके लिए, बट अप्रोक्स ऐसे ही इनका प्राइस था।
इनमें से ये जो ग्लिटर था तो कोई 40 रुपीज़ की, कोई 80 रुपीज़ की ऐसे था। ये जो पूरा पैकेट मिल रहा है इसमें कोई 100 रुपीज़ का था, ये 240 रुपीज़ का, नहीं ये 300 रुपीज़ वाला है, ये इसमें आपको 240, ये 240 रुपीज़ का है ये छोटा वाला, ये 240 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको। और ये ग्लू गन जो थी ये बता रहे थे भैया 150 रुपीज़ की थी, और ये पेपर कटर है 150 रुपीज़ है, आपको कई सारे मिल जाएंगे। ये ग्लिटर वाले स्टिकर मिल जाएंगे। तो स्टेशनरी से रिलेटेड आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सामान मिल जाएंगे, होम डेकोर और किचन से भी इसी लाइन में आपको मिलेंगे। तो बस यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल था, क्या क्या स्टॉक था, वो मैं आपको दिखाती चल रही है। प्राइस कुछ कुछ का मैं बताती चल रही हूँ, बाकी सबका प्राइस बताना पॉसिबल नहीं होता ना फ्रेंड, क्योंकि इतने सारे सामान होते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो जिनका प्राइस मैं बता लेती हूँ तो बस अप्रोक्स ऐसे ही इनका प्राइस होता है। और प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करी करूँ तो मैं प्रोडक्ट जो है अच्छे थे, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। तो घूमते घूमते आप अपने लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, और अगर किचन से रिलेटेड चाहिए तो वो भी प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये आगे एक छोटी सी शॉप, ये 30 रुपीज़ का था, कोई 50 रुपीज़ का था, कोई 110, ऐसे करके ये 50 रुपीज़ की ये छोटी सी बॉल थी। इसमें ब्लैक और वाइट दो कलर अवेलेबल थे भैया के पास, और ये बस पटरी पर ही थी। ये जो वाइट ब्लैक कलर की जो पतली सी ट्रे दिख रही है 120 रुपीज़ की थी, कोई 350 रुपीज़ की थी, ऐसे इनका प्राइस था। और बस थोड़े से सामान लगा रखा था, बट थोड़ा यूनिक थे तो लोग यहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। ये 50 रुपीज़ की ये सॉस प्लेट थी, ये सॉस के साथ आप सर्व कर सको, नहीं 100 रुपीज़ की थी ये, 120 रुपीज़ की, इसमें आप मोमोज़ वगैरह सर्व कर सकते हैं। या अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आपने कबाब वगैरह बनाया तो इस प्लेट पे सर्व करेंगे तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इन्हीं के पास, भैया के पास आपको ऐसे ग्लासेस मिल जाएंगे जिनका 300-200 प्राइस होता है, और इन ग्लासेस का अलग अलग आपको वैरायटी दिख जाएंगे, ग्लासेस अलग दिख जाएंगे, तो आप साइज़ भी देख लो, वैरायटी भी देख लो। तो 300, 400, 500 की रेंज में है, कुछ 550 की रेंज में भी है। तो ये डिज़ाइन वगैरह जो अवेलेबल है वो मैं आपको एक एक करके दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या डिज़ाइन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको ऐसे क्रिस्टल स्टाइल में चाहिए तो वो भी यहाँ मिल जाएगा, सिंपल में चाहिए वो भी मिल जाएगा, और अगर जैसे आपको लस्सी वगैरह के लिए चाहिए वो मिल जाएगा, अभी रमज़ान के लिए शरबत के लिए शरबत वाला गिलास भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो प्राइस की बात करो तो वही 550, 250, 350 ऐसे करके इनका प्राइस है। तो कैसरोल की बात करूँ, कैसरोल 500, 1000 ऐसे करके था, ये पूरा पैकेट था 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का ये पैकेट था, आपको पूरा मिल जाएगा। तो इस पर बहुत ही प्यारी प्यारी छोटे छोटे इनके पास ये इस तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे आर्टिकल अवेलेबल थे, ये जो आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हो, बहुत ही यूनिक लग रहे थे देखने में भी। ये 80 रुपीज़, 70 रुपीज़ का ये पूरा बॉक्स था, इसमें सिर्फ दो कलर अवेलेबल थे। अगर आपको किसी गिफ्ट भी देना तो भी उस गिफ्ट के पर्पज़ से भी ले सकते हैं। ये हेयर ब्रश था, और उसके बगल में ऐसे आपको बैंगल्स मिल जाएंगे 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ की बैंगल्स थी, जो बहुत ही अच्छी अच्छी थी। आप लोग यहाँ पे आज जो है रमज़ान की भी शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि रमज़ान में इबादत का टाइम होता है तो मार्केट थोड़ा लोग अवॉइड करना चाहिए, तो हो सकता है इसलिए पहले लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे। तो कुछ चूड़ियाँ भी काफ़ी सारे लोग खड़े थे उनके सामने, ये फिर एक से मुझे शॉप दिख गई जो कि चॉपर वगैरह इनके पास अवेलेबल थे। चॉपर का देखो डिज़ाइन कैसा था, क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल थे वो आप देख लो। और कुछ कैटल भी थी, कैटल का प्राइस की बात करो तो 350 रुपीज़ की थी। और ये है जो है पिगी बैग है 350 रुपीज़ का, पिगी बैग नहीं ये बॉटल है 350 रुपीज़ की, और बहुत ही क्यूट सी थी। खैर मैं आगे बढ़ गई, ये 100 रुपीज़ में था, आपको ऐसे मसाले वाले मिल जाएगी मसालेदानी, ये 100 रुपीज़ मिल जाएगी 250 रुपीज़ में, ऐसे ये 350 रुपीज़ में आपको ये बॉक्स मिल जाएगा। ये कप, दो कप का सेट है, ये 150 में मिलेगा, आपको सेट लेने होंगे इन्हीं की शॉप पे ही, कई चॉपर वगैरह। ये एक थोड़ा ये पिज़्ज़ा कटर देखो, देखने में थोड़ा यूनिक स्टाइल में लग रहा था, तो ये पिज़्ज़ा कटर था फ्रेंड, और ये शेकर थी। इसके लिए भैया पूछा था तो मैंने बोला जब आप लोगे तो इसको चला करके ये आपको देंगे, तो आप मतलब शेकर था, कॉफ़ी शेकर, वो
कॉफ़ी शेकर आप लेना तो चेक करके लेना, तो भैया भी बोल रहे थे चेक करके ही हम देंगे। तो बस ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल आपको किचन से होम डेकोर से रिलेटेड दिखते रहेंगे, बस आप मार्केट में घूमते जाइएगा, आपको मार्केट बहुत ही मज़ा आने वाला है। जी हाँ, इस व्लॉग में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऐसे 30 रुपीज़ के ऐसे छोटे छोटे आपको ये शॉपनर दिख जाएंगे, 20-30 रुपीज़ के, सारे 30 रुपीज़ के रेंज में थे ये स्कूटर, है ना क्यूट, बच्चे भी खुश। तो इस तरह के काफ़ी प्यारे प्यारे आर्टिकल इनके पास। तो फ्रेंड व्लॉग आपको कैसा लगा? व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। अब एक और शॉप पे आ गए, जो वो बर्थडे पार्टी पॉपर में पूछ रही थी, वो 50 रुपीज़ का था, 100 रुपीज़ का भी था, तो कई सारे थे। आपको रोज़ पेटल वाले भी मिल जाएंगे, कई सारे मिलेंगे। तो ऐसे ही छोटी सी शॉप और दिख गई थी मुझे रास्ते में, बस ऐसी कई सारी शॉप दिखती जाएंगी। तो आप भी मेरे साथ बने रहिएगा, व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही बहुत ही प्यारी अमेजिंग चीज़ मैंने ऐड की है। तो इस तरह के जो बॉक्सेस थे, इनका प्राइस भैया ने, ये जैसे आपको टिश्यू चाहिए तो ये 170 रुपीज़ का था टिश्यू पेपर रखने के लिए, 400 का, 350 रुपीज़ का, ऐसे ये आपको ये जार मिल जाएंगे जो कि नाइसा का था, कंपनी का था। ऐसे बॉटल मिल जाएंगे जिनका प्राइस 200 रुपीज़ का था, 100-200 ऐसे था। तो ट्रे का सेट भी था, अलग अलग भी था। ये पेंसिल की बात करूँ तो ये 440 रुपीज़ की पेंसिल का सेट था, और ऐसे 80, 50, 10, 90 ऐसे इन सब का पेन का प्राइस था, जो कि आपको पूरा बंच में था, जिनका प्राइस भी ऐसे ही था आसपास। और जैसे ये पेंसिल का पूरा बॉक्स होता है ना, ये जो है डॉम्स की, ये 40 रुपीज़ की थी। पेन का भी जो पूरा स्लैब होता वो था पूरा 80 रुपीज़ का, कुछ 50 रुपीज़ का था। तो ये बच्चों की बॉटल मिल रही थी जो कि 100 रुपीज़ की थी, 200 रुपीज़ की थी। तो स्कूल के लिए आप अपने बच्चों के लिए बॉटल्स भी ले सकते हैं। ये छोटा सा क्यूट सा मुझे ये बैग मिल रहा था, इनवलप था इसमें, आप शगुन इनवलप है तो इसमें आप शगुन देने के लिए काम आएगा। तो इसमें कई सारे डिज़ाइन मिले थे, ये 100 रुपीज़ का एक था, ये 60 रुपीज़ का 10 पीस था, ये देखिए ये 50 रुपीज़ का 10 पीस था, ये छोटा सा स्टाइल था। एक और मैं दिखाऊँगी अभी, जो ढोलकी के स्टाइल में था वो भी दिखाऊँगी। ये देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है। और इस पर ढोलक बनाए फ्रेंड, पता नहीं आपको इस पर हाँ दिख रहा है, तो इस पर अच्छे से नहीं दिख रहा मोबाइल में, बट बहुत ही प्यारा लग रहा था वो शगुन का लिफाफा। ये ऐसे बच्चों के लिए स्टेशनरी का आप ले सकते हैं। और ये मैट था, किचन से रिलेटेड था, ये 200-150 का था। ये लहसुन वगैरह आपको क्रश करने के लिए मिल जाएगा। ऐसे छोटी शॉप दीजिए, बैग वाली शॉप है जहाँ पे बैग बहुत ही स्टाइलिश वाले बैग मिलते हैं, तो काफ़ी सारे स्टाइलिश के बैग लगे थे। तो 350-200-1000 ऐसे तक की रेंज में यहाँ बैग होते हैं। तो बैग की क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी अच्छी होती है और डिज़ाइन भी अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं। आप खुद जहाँ से जाना देखना तो आप चेक करके ज़रूर लेना। और जहाँ पर जो स्टॉक अवेलेबल था वो मैंने दिखा दिए। बस आगे बढ़ते एक बच्चों से न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी कुछ चीज़ें दिख रही थी, ये छोटी छोटी पाउचेज जो थी, क्लिप वगैरह के हेयर एसेसरीज थी बच्चों के। गर्ल्स के लिए तो काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोडक्ट और आइटम अवेलेबल है, जैसे हेयर एसेसरीज वगैरह थी। इस शॉप पे काफ़ी सारे जैसे पूरा शॉप सजी हुई थी पूरी। अब ये बच्चों के सिपर ले सकते हैं, 120 रुपीज़ में ऐसे सिपर भी थे, रटल भी थे और टीथर भी थे इनके शॉप पर। फिर आगे बढ़िए, आपको ऐसे फिर से शॉप दिख जाएंगे। तो इन बॉक्सेस की लंच बॉक्स 200, 100, 300, 150 रुपीज़ में ये बॉक्स था, ये येलो वाला, कुछ 350 रुपीज़ में, 450 रुपीज़ में ये सारे लंच बॉक्स मिल जाएंगे। इस तरह के लंच बॉक्स फ्रेंड यहाँ पे कई सारे मिलेंगे। और ये येलो वाले 150 में 2 मिलेंगे आपको। ये ऐसे था, अंदर स्टील में था और बाहर से प्लास्टिक का कवर था। और ये 100 रुपीज़ में ये बॉक्स मिल रहा था जो कि ट्रांसपेरेंट था, आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं कुछ सामान रख करके, या आप लंच बॉक्स ले जाने के लिए भी यूज़ कर सकते थे। फिर से ऐसे जार मिल रहे थे, ये बाल्टी यहाँ पे बकेट वगैरह भी कई सारे साइज़ के थे।
150-200 में ये बकेट अवेलेबल थे, 350-200 की रेंज में भी थे। और इनके पास ऐसे ये डस्टबिन भी थे, डस्टबिन की बात करूँ तो और भी इनके पास 200-300-500 की रेंज में भी डस्टबिन में थे, तो भी अभी मैं दिखाऊंगी इसमें व्लॉग में। ये देखिए जो साइड वाला जो ब्राउन कलर का डस्टबिन था, ये वाला, ये 300 की रेंज में बता रहे थे भैया, तो देखने में भी स्टाइलिश था, क्यूट सा था, आप अपने घर के लिए यूज़ के लिए ले सकते हैं। जिनके पास कई सारे डस्टबिन वगैरह स्टाइल थी, ये 100 का पूरा पत्ता था, 100 का 50 के ऐसे कुछ था। इनके पास ऐसे सारे कई सारे अवेलेबल थे, ये पूरा पूरा बंच था। इनका सबका अलग और प्राइस तो कोई 100 रुपीज़ का था, कोई 200-500 ऐसे इसका पूरा बंच था। खैर मैं आगे बढ़ गई, दस राइट साइड मुझे टॉल दिख गई, तो इन सब टॉल का प्राइस अलग अलग था। वो जो फ्रंट वहाँ पे 100 रुपये वाले मिल रहे थे वो वैसे नहीं थे यहाँ पे, इनका दिखने में तो ये वाले वैसे लग रहे हैं, बट स्टफ अलग था इनका, फैब्रिक अलग था। फिर एक यूनिक शॉप दिखी मुझे, तो यहाँ पे जितनी भी ये वॉचेस थी यूनिक स्टाइल में थी। जैसे ये ग्रे कलर की एक वॉच है, मैं भी आप बिल्कुल क्लोजअप लुक दिखाऊंगी, ये ग्रे वाली जो है, ये देखिए साइड में ही ना सिक्के नहीं होते थे पहले, शायद 10-20 पैसे ऐसे चलते थे, उनकी ये वॉचेस ये साइड में लगाई गई बनी है। ये 2100 की इनका प्राइस था, किसी का 1100-1200-1800 ऐसे रहेंगे। तो इनकी शॉप पे ये यूनिक वॉचेस दिख रही थी, वो मैंने ऐड कर लिया। ऐसे होम डेकोर से रिलेटेड आपको यहाँ पे सामान मिल जाएगा। ये छोटी ही सी शॉप थी, आपको बस इसी क्रॉकरी वाली रोड में मिलेगी। पिंकी बैग एक बहुत ज़्यादा वुडन वाले सामान यहाँ पे थे 120 रुपीज़ के। ये ऐसे आपको कोस्टर मिल जाएंगे, 150-200 में कोस्टर मिल जाएंगे। कई सारे सामान भी थे जो कि सारा यहाँ पे वुडन वाला अवेलेबल था। ये देखिए पिंकी वाले भी थे स्टाइल के, तो ये भैया आपको यहाँ मिल जाएंगे। शू रैक की बात करूँ तो 450 रुपीज़, 550 रुपीज़, 350 रुपीज़ के ऐसे ये शू रैक थे, जो सिंगल थे, आप साइड में अपने घर के किसी कोने में रख लीजिए। और स्टोरेज बॉक्स भी थे जिसमें आपने कपड़े वगैरह या ब्लैंकेट वगैरह रख कर के सेव कर सकते हैं। ये 3 का सेट था, 300 रुपये का था, इसको केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो इनका 2 स्टाइल था, एक हार्ट शेप में था, एक ऐसे था ओवल में, सॉरी ट्रैंग। तो आप इनको 300 रुपीज़ का ले सकते हैं। ऐसे बहुत ही क्यूटी क्यूटी से स्टाइल में थे इनके पास अंकल के पास। तो बस आप देखते जाओगे इस मार्केट में, आपको मन नहीं भरेगा बट आप थक ज़रूर जाओगे क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। अब ये बच्चों के खिलौने की शॉप एक और दिख गई मुझे, जो भैया के हाथ में है ना ये ट्रैक्टर, ये 400 रुपीज़ की थी। साइज़ भी अच्छी थी, प्रोडक्ट भी अच्छा था, इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा था, हार्ड मटेरियल था। तो वो आंटी ले रही थी तो भैया उसे सफ करके पैक करके दे रहे थे। तो इन सब का प्राइस भी ऐसे ही था, 200-500-600 की रेंज में इनके पास अवेलेबल होते हैं। मतलब जो शॉप पे आपको 1000 रुपये मिलेंगे वो यहाँ पे आपको 400-500 मिल जाएंगे। ये छोटू सा मुझे यहाँ पे, ये देखिए अब बस आप देखते जाना, ये मिकी माउस इनके पास था, 350 रुपीज़ में था मिकी माउस। ये थोड़ा गुस्से में लग रहा था मुझे, एक सब स्माइली वाला नहीं लग रहा था, गुस्से में लग रहा था ये तो। खैर अब आगे बढ़ गए, ऐसे आपको ये रैक मिल जाएंगे, रैक पे चढ़ाने के लिए ऐसे कवर मिल जाएंगे। इनके पास से कई सारे थे, जैसे फ्रिज कवर थे, एसी कवर भी थे, आपको दस्तखान मिल जाएंगे, आप डाइनिंग टेबल कवर भी था इनके पास। तो 150-200 की रेंज में ये सब मिल जाएंगे आपको। किचन से रिलेटेड ऐसे कुछ टूल्स मिल जाएंगे। काफ़ी सारी भीड़ थी, लोग यहाँ पे काफ़ी शॉपिंग भी कर रहे थे, तो बस मुश्किल हो रहा था कि इतनी भीड़ में इस ब्लॉग को मैं बना सकूँ, बट मैंने आपके लिए इस ब्लॉग को एडिट किया है, अपडेट किया है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमेशा मेरा साथ दीजिएगा फ्रेंड। यहाँ एक बॉक्सेस की शॉप दिखी थी मुझे, जो उस बॉक्स के जो मैं बोल रही हूँ उसका प्राइस भैया 440 रुपीज़ था, सबसे बड़ा 350 रुपीज़ था, 100-200 ऐसे की रेंज में सारे बॉक्सेस इनके पास अवेलेबल थे। आप इसको लेकर इसमें आटा वगैरह रख सकते हैं या घर के कपड़े वगैरह स्टोर कर सकते हैं, या बच्चों खिलौने रख करके एक साइड में रख दीजिए, बच्चों को खेलना हो बच्चे बॉक्स उठाएंगे खेलेंगे, फिर बच्चे बॉक्स में रख करके एक साइड, तो ऐसे घर नहीं फैलेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जहाँ छोटे बच्चे होते खिलौने इधर उधर पड़े होते हैं, तो उनको एक जगह आप रख सकते हैं इस बॉक्स में। ये प्लेट ये 250 रुपीज़ की थी,
ये 200 रुपीज़ की थी राइस वाली। इसकी प्लास्टिक अच्छी वाली थी, ऐसी नहीं कि 200 की यहाँ पे मिल रही है तो बहुत लो थी, बट प्लास्टिक सबकी अच्छी थी। और ये आपको ऐसे बास्केट दिख जाएगी, ये भी 200 रुपीज़ की थी, आप फ्रूट्स वगैरह रख के ऐसे कवर कर दीजिए। तो आप लेने जाएंगे कुछ सामान और आप यहाँ पे काफ़ी सारा सामान लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। कुछ वुडन के भी ऐसे आइटम थे, 300-400 रुपीज़ के ऐसे ट्रे वगैरह थी। इसका सेट था ये, ये देखिए भैया काफ़ी बिजी थे। अभी मुझे इसका प्राइस, ये 150 रुपये का था। आप इसमें यहाँ टिशू होल्डर है, ये 150 रुपये का था, 200 रुपीज़ का था ये वुडन वाला, 200 रुपीज़ का था। तो ऐसे कई सारे इनके पास अवेलेबल थे, इस तरह की चीज़ें इनके पास अवेलेबल थी। और आगे ये जो बॉटल है ये 150 रुपीज़, 250 रुपीज़ की ऐसी बॉटल थी। ये जितने मिल की थी मैंने नहीं पूछा, बस पानी गर्म है तो गर्म रहेगा। और ये स्टूल की बात करूँ तो 550-350 रुपीज़ में स्टूल थे। 150 की ये स्टडी टेबल थी, ये सब पूरा सेट था। आपको बस लाइन में लेफ्ट की तरफ घूमेंगे आपको तो इस तरह के सामान दिख जाएंगे। और ये 36 पीस का था, ये ग्लू वाला 100 रुपये का 36। ऐसे स्टेशनरी से रिलेटेड आपको थोड़ी सस्ती प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, बट गारंटी वारंटी आप देख लेना कैसे होते हैं क्या, वो आप चेक कर लेना। फ्रेंड ब्लॉग को मैं ये एंड करती हूँ, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा फ्रेंड, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा। और अपने ख्याल रखिएगा, ब्लॉग कैसा लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ब्लॉग शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।